हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभिजनन शकुंतलम कालिदासा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तो इस बार हमने मंडे को इंग्लिश ऑनर्स का फर्स्ट चैप्टर किया था मेनली, जो कि था अभिजनन शकुंतलम। उसमें मैंने आपको उस पूरे चैप्टर की समरी और अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आपको वीडियो को लास्ट में भी शो हो जाएगी, उस वीडियो को जरूर देख ले। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम कुछ शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं, ताकि मेनली आपको जब भी आप बड़े क्वेश्चन आंसर्स लिखे अभिजनन शकुंतलम के ये पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली मतलब आपको पता चल सके कि आपको किस टाइप से लिखना है और क्या क्या लिखना है। तो चलिए इसी के साथ आप वीडियो को शुरू करते हैं और मेनली हम देखने वाले हैं अभिजनन शकुंतलम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, जो कि ज्यादा बड़े नहीं होने वाले, सिर्फ स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन आंसर्स होंगे ये। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, व्हाट डज द इमेज टस्कर रैम्पेज एक्ट वन सजेस्ट। तो मैंने इसको आपको एक्ट के हिसाब से नहीं करवाया था, मेनली मैंने आपको मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से करवाया था, पीपीटी करा थे तो उसमें मेनली मैं आपको बता दूं, तो इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चंस है वो किस किस टाइप के आते हैं। और इसमें जो आपको मैंने आंसर्स भी शो कर रखे हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप आंसर खुद भी लिख सकते हैं। तो इसमें भी बताया गया जो टस्कर रैम्पेज होता है इन एक्ट वन, वो मेनली बताता है मतलब कि मेनली सजेस्ट करता है द ऑनसेट ऑफ अनकंट्रोल्ड पैशन इन द किंग दुष्यंत, मतलब कि बिल्कुल भी उनके अंदर पैशन जो था वो बिल्कुल भी अनकंट्रोल्ड था। His subduing the tasker similarly is indicative of his attempt and ability to control the passion that occupied his heart on viewing Shakuntala। तो मेनली मतलब कि वो अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते हैं जब वो शकुंतला को देखते हैं। This may also suggest कि मतलब ये हमें ये भी बता सकता है कि जो दुष्यंत थे वो himself is a tasker, तो वो मेनली खुद ही एक टास्कर थे। Who thought through his very intrusion has distributed the piece of the hermitage a string in the string of events that are unlikely to its inherent tranquility। अगले इसमें what is benediction, तो benediction क्या होता है? benediction एक फॉर्मूला होता है जिसमें कि in the beginning of the play as found in the classical Sanskrit play, तो हमने जो करा था इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का ही करा था। दिस वॉज इंक्लूडेड टू इन्वोक द ब्लेसिंग ऑफ द पैट्रॉन गॉड प्रेइंग फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्ले। तो मेनली अगर कोई भी प्ले जब शुरू होता है तो हमेशा प्रे की जाती है, बेंडिक्शन की जाती है, जिससे कि जो प्ले है वो पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट हो सके। तो मेनली आपको इतने पता होना चाहिए। और एक लास्ट पॉइंट बताना चाहिए इसका, जो कि था बट कालिदासा वॉज एक्सेप्शन, जो कालिदासा थे वो एक एक्सेप्शन थे और उन्होंने मेनली क्या लिखा था, He wrote the benediction himself। तो उन्होंने पूरी जो प्रे थी वो भी अपने आप लिखी थी। Most of them devoted to the deity of Ashtamurti Shiva, his Ishta। And Abhijanan Shakuntalam has one of the most beautiful benedictions in the entire corpus of Sanskrit literature। अगला है, Who found the figure ring? मतलब कि जो फिंगर की जो रिंग शकुंतला की खो गई थी वो किसको मिली और कहां से मिली? तो मेनली मैं आपको अगर छोटे से मैं आंसर में बता दूं, तो मेनली जो फिंगर की रिंग थी वो एक फिशरमैन को मिली थी, वो भी कहां से? एक फिश के स्टमक में से। तो इसमें हम देख लेते हैं, द रिंग इज फाउंड इन द स्टमक ऑफ अ फिश एंड इज फाउंडेड बाय टू फिशरमैन, जिनका आपको नाम जरूर याद रखना है। एक का नाम है जनुका, दूसरा नाम है सुचाका। वाइल्ड फिशिंग दे फाउंड इट टू बियर द सेंग ऑफ द किंग एंड सोल्ड इट टू अ ध्रुवा फॉर मनी, which was how the police got a whiff and of it and arrested the washerman for stealing a royal ring। तो इसको मतलब कि जो फिशरमैन थे उनको इसलिए पकड़ लिया गया कि सबको लगता है कि इन्होंने ही चुराई थी, पर इन रियलिटी में उन्हें एक फिश के पेट में से मिली थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि काम करते इसे बेच देते हैं। मतलब टू अ ध्रुवा दीवारा, जो कि एक दीवारा थे, और उनसे पैसे ले लेते हैं, पर वहीं से पुलिस को भी पता चल जाता है। Who was Gautami? गौतमी कौन थी? तो गौतमी जो थी वो एक आश्रमा की माता थी। She was the wife of कुलापति ऋषि कन्वा। तो कन्वा की जो थी वो वाइफ थी। A kind and benevolent mother figure whose magnanimity encompassed and graced the entire ashram amidst the woods in love and compassion। मेनली वो कंपैशन अगर के साथ रहती थी, जो वो मेनली बनाती थी वो था शी मेक्स ओनली अ ब्रीफ अपीयरेंस इन द प्ले, मतलब कि उनका जो प्ले में एक छोटा सा सीन था, एज
शकुंतला प्रिपेयर्स एंड ग्रूम्स हरसेल्फ एज शी प्लान्स टू लीव दुष्यंतास कोर्ट टू रिस्टोर हिज मनी विच वॉज रिपोर्टेडली क्लाउडेड। अगले इसमें क्वेश्चन है, वट आर द नेम्स ऑफ द टू मेल अटेंडेंट्स हु कंपनी शकुंतला टू दुष्यंत कोर्ट। तो जो शकुंतला जब दुष्यंत के कोर्ट तक आती है तो उसके साथ कौन दो इंसान होते हैं, तो वो मेनली होता है, एक होता है सरद्वाता और दूसरा होता है सर्ण गरावा। आर द टू मेल अटेंडेंट्स हु अकंपनी शकुंतला टू द दुष्यंत कोर्ट। अगले इसमें है, व्हाई डिड दुर्वासा कर्स शकुंतला। अब ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके पेपर में कम से कम 5 से 6 नंबर तक में आ सकते हैं। आगे मैं आपको बड़े बड़े आंसर्स भी लिखना सिखाने वाली हूँ अभी, ताकि आप छोटे छोटे आंसर्स लिखना सीखेंगे, उसके बाद आप धीरे धीरे बड़े बड़े आंसर्स भी लिखना शुरू कर देंगे। तो जो कर्ज करता है दुर्वासा, वो मेनली इसीलिए करता है, मैं आपको सिर्फ हिंदी में एक बता दूं और इंग्लिश में आपको पूरा दिया गया है। जब अभिजन्म शकुंतला में, जैसे कि शकुंतला के लिए जब जो दुष्यंत होता है वो छोड़कर चले जाता है, तो शकुंतला बहुत ज्यादा दुष्यंत के बारे में सोच रही होती है और तभी दुर्वासा जो आ जाते हैं एक साथ ही, मतलब कि एक बार जब आते दुर्वासा तो वो आवाज लगाते हैं शकुंतला को, पर शकुंतला नहीं सुनती है। तो वो फिर क्या कहते हैं दुष्यंत, मतलब जो दुर्वासा है वो क्या कहते हैं कि तुम जिसके ख्यालों में, मतलब या तुम जिसके तुम्हारे ख्याल आ रहे थे दिमाग में, जिसके चक्कर में तुमने मुझे इतने अच्छे से अटेंड नहीं किया है, अब वो ही इंसान तुम्हें भूल जाएगा। अगले इसमें है, व्हाट इज कन्वास एडवाइस टू शकुंतला व्हेन शी मूव्स टुवर्ड्स द दुष्यंतास कोर्ट। अब कन्वा क्या कहता है जब शकुंतला जो थी वो दुष्यंता के कोर्ट पे जा रही होती है। व्हाइल गोइंग टू दुष्यंतास कोर्ट कन्वा एडिसिस, मतलब कि कन्वा ऐड करते हैं एडिसिस शकुंतला टू बी रिस्पेक्टफुल टू द एल्डर्स एंड सर्व देम। तो मेनली यही कहते हैं कि भाई एक तो तुम रिस्पेक्टफुल रहना जितने भी बड़े होंगे और उनके अच्छे से हेल्प करना। टू बी अ फ्रेंड टू द अदर वाइफ्स ऑफ दुष्यंता, जितनी भी दुष्यंता की अदर वाइफ्स है उनकी एक फ्रेंड बन के रहना, ना कि उनसे लड़ना। एंड नॉट टू गो अगेंस्ट हस्बैंड इवन इफ ही मिसट्रीट्स हर, मतलब कि अगर तुम्हारे को जो दुष्यंत है वो कुछ अजीब से बिहेव करते हैं तो तुम उसके साथ फिर भी कोई भी लड़ाई वगैरह नहीं करोगी या फिर बिल्कुल भी उसके अगेंस्ट नहीं जाओगे। He further advises her to be generous to her husband's relatives and never to be proud of her fortune and position. Who were the parents of Shakuntala? तो ये question most of the time paper में पूछा जाता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें confused रहते हैं। तो जो parents थे शकुंतला के वो थे मेनका, जो कि एक अप्सरा थी, और the dancer of the cosmic orders and the sage विश्वामित्रा, मतलब कि उसके father जो थे वो थे विश्वामित्रा। अगला और जो कि last question है, जो कि मैं लिया है, In what was Shakuntala the baby girl found and who found her? मतलब कि where, मतलब कि कहाँ से शकुंतला the baby girl जो थी वो found करी गई थी। तो जो शकुंतला थी वो mainly मिली थी कन्वा के हर्मिटेज में, by the sage कन्वा in his hermitage. She was protected from animals and elements of nature by a bird Shakunta, a virtue presumer. Date accounts of her being named Shakuntala. इसलिए उसका नाम शकुंतला रखा गया, as one who was protected by Shakunta. तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो वो आप लाइव चैट में पूछ सकते हैं। और मेनली अब हम अगला जो चैप्टर करने वाले हैं या तो मृच कटिकम या तो ईडीपस रेक्स या फिर हो सकता है कोई और चैप्टर रखे, पर मेनली हम मृच कटिकम करने वाले हैं। और मृच कटिकम में टोटल 4 पार्ट्स है, तो इसलिए वो जो है हर, मतलब कि एक मंडे थर्सडे फिर मंडे और थर्सडे, तो वो कम से कम 2 हफ्ते पूरे लगा देगी उस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने में। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जल्दी से जल्दी इंग्लिश ऑनर्स की, जीई पॉलिटिकल साइंस की और एईसीसी की इंग्लिश की वीडियोस मिल सके। कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था कि भाई हमारे को, मतलब कि एक बच्चे ने पूछा था कि मैं जीई जो है वो फिलोसफी है तो आप उसकी तैयारी करवाओगे, और एक ने पूछा था जीई साइकोलॉजी, तो मैं उनकी भी तैयारी करवाने वाली हूँ, बट वो सारी तैयारी जो है वो फेब से शुरू होने वाली है, मतलब कि फेब्रवरी से शुरू होने वाली है। और कुछ बच्चों ने बोला था कि उनका जो एईसीसी है वो ईवीएस है, तो मैं आपको बता दूं उसकी तैयारी जो अभी है वो उसकी पक्का नहीं है कि मैं आपको पक्का तैयारी चैनल पे करवाने वाली हूँ, पर बाकी अभी हम थोड़ा टाइम देखते हैं कि अगर चैनल पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है और लगता है मुझे कि हाँ बहुत बच्चे इंटरेस्टेड है उस टॉपिक के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए, तो ही मैं शुरू करवाने वाली हूँ। तो अगर आपके पास कोई भी जीई है या फिर कोई भी एईसीसी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और जिन बच्चे, जो भी बच्चे डीयू में हैं उन सबको पता होगा जीई और एईसीसी क्या होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो भी अब ज्यादा बड़ी होती जा रही है, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, क्योंकि बहुत बच्चे वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल को मोर देन 90% ऑफ द बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।